हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे, जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, मैंने चैप्टर 1 से ही स्टार्ट किया है, यूनिट 1 से स्टार्ट किया है। यूनिट 1 में आपका जो चैप्टर आते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और साथ ही गॉस की परमेय, तो इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं, तो उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा और आपको बताना होगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और कितने क्वेश्चन आपने इसमें कवर किए, आप मैसेज करके बताना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निर्वात में वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक क्या है? जो हमारे पास निर्वात में वैद्युतशीलता जो एप्सिलॉन जीरो होती है उसका मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है? हम जानते हैं कुलाम के नियम से कि एप बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जो यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो है ये, तो इसका पूछा है इसका एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक होता है कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, अब साथ में मैं आपको बताऊं एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या होती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 8.85 क्रॉस 10^-12 इसका मान होता है कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहां पर मैंने ऑप्शन भी दिए हैं तो वो भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम 2 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने कि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य, यानी हमारे पास एक धनावेश Q1 है और एक धनावेश Q2 है, ये दोनों वायु में रखे हुए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ निश्चित दूरी r दूरी पर। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ, कोई ना कोई इनके जो मध्य में है कोई ना कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। रखे जाने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो आपको एक बात का बहुत जरा ध्यान रखना है, जब भी दो आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल किस तरह से बिहेव करता है। तो परावैद्युत पदार्थ रखने पर हमेशा दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसका मान घट जाएगा। कैसे घटेगा, देखना, क्योंकि हम जानते हैं कि FM माध्यम में लगने वाला बल दो आवेशों के बीच में और निर्वात में लगने वाला बल दो आवेशों के बीच में बटा के अपोन के, के क्या है यहाँ पर प्रावैद्युत पदार्थ का या माध्यम का प्रावैद्युतांक कैपिटल के। यदि आप प्रावैद्युत पदार्थ रखोगे तो इसका मतलब आपका प्रावैद्युतांक बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो दोनों आवेशों के बीच में प्रावैद्युत पदार्थ यानी कोई ना कोई माध्यम रखोगे, आप कांच रखोगे, आप तेल कागज अभ्रक ये रखोगे, तो के बढ़ेगा, तो के जैसे ही बढ़ेगा तो FM यानी माध्यम में लगने वाला बल घटेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि घट जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = F/Q0, जहां पर Q0 परीक्षण आवेश है और उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एफ है। तो एफ का मात्रक न्यूटन होता है भैया, है ना, एफ का मात्रक हमारे पास क्या है, न्यूटन है, और साथ ही आवेश का मात्रक कुलाम है, तो न्यूटन पर कुलाम। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे, 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यूटन पर कुलाम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो देख लेते हैं निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं। पहला न्यूटन पर कुलाम, ये तो बिल्कुल सही है, वोल्ट पर मीटर ये भी सही, ये भी हम देख लेंगे वोल्ट पर मीटर है या नहीं, जूल पर कुलाम कोई नहीं, तो इसमें से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 3rd है, ये इसका मात्रक नहीं है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक जूल पर कुलाम नहीं होता, न्यूटन पर कुलाम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी E = -kdV/dr,
ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से यहाँ से वोल्ट, ये वी है, वी का मात्रक वोल्ट हो गया और आर का मात्रक मीटर हो गया, तो वोल्ट पर मीटर भी मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का। तो ये भी हमारा सही है, सेकंड ऑप्शन भी वोल्ट पर मीटर भी होता है, और न्यूटन पर कूलाम हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो जूल पर कूलाम इसका मात्रक नहीं है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है 2014-18-19 उत्तराखंड बोर्ड में। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, विद्युत फ्लक्स हमको पता है विद्युत फ्लक्स का, कि विद्युत फ्लक्स की है कि फाई ई बराबर जो होता है वो ई ए कोस थीटा होता है। ई यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो हम प्लेन या सरफेस ले रहे हैं उस पृष्ठ का ये क्षेत्रफल ए होता है। तो देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होगा। ई का जो मात्रक है, यदि हम न्यूटन पर कूलाम लिखें, न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि ई का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होगा, इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, एक तो ये हो गया। यदि हम दूसरे की बात करें, क्योंकि हमको ये भी पता है कि दूसरे वाला जो होगा उसको कैसे हम देख सकते हैं, उसको किस तरह से हम बता सकते हैं, तो यहां से वो भी देख लेते हैं। दूसरे वाला इसमें कहीं पर ऑप्शन ये तो नहीं है कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, इसमें कहीं पर ऐसा ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ, न्यूटन इंटू मीटर पर कूलाम दिया हुआ है लेकिन ये नहीं है। अब हम देख लेते हैं वोल्ट पर मीटर, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन है वोल्ट इनटू मीटर। अब इसको देख लेते हैं कैसे निकाला हमने, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है ई ए कोस थीटा। अब हमने अभी आपको बताया है कि ई का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है इनटू ए का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो यहां से मीटर से 2 मीटर ऊपर है तो कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, वोल्ट इनटू मीटर, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो काफी बार पूछा गया झारखंड 2017-18-19-20, बाकी और भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है, है ना। देखिए दोबारा से मैं फिर इसको बता देता हूं आपको, इसमें क्वेश्चन में यह बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र ई में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण। तो टो बराबर आपने पढ़ा था कि टो बराबर क्या था, टो बराबर था पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, और इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखे तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और टो वेक्टर, तो यही बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, शुरू में पी आएगा और फिर ई आएगा, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो आगे हम चलते हैं इसमें, आगे जो क्वेश्चन 7th बोला गया है, क्वेश्चन 7th में यदि हम बात करें, क्वेश्चन 7th में बोला गया है आपका कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप क्या होता है, 0 केल्विन ताप आपका परम शून्य ताप होता है, इससे नीचे ताप डिफाइंड नहीं होता है, तो 0 केल्विन ताप को परम शून्य ताप भी कहते हैं। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, तो ऑप्शन नंबर हम बात कर लेते हैं, चालक तो नहीं है, प्रतिरोधक भी नहीं है, शक्ति स्रोत भी नहीं है, तो 4th ऑप्शन है विद्युत रोधी, ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको याद रखना है, एक आवेश में आपके 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे निकाला, क्योंकि हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है, तो एन बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बाई ई, आवेश के क्वांटिमीकरण से आवेश हमको दिया हुआ है 1/E, हमको पता है 1.6×10^-19, जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.25×10^18, ये यूपी 2010 और 2017 में पूछा गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट, आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का, कोई विद्युत रोधी माध्यम है
उसका प्राविद्युतांक के हो सकता है, किसी विद्युतरोधी माध्यम का प्राविद्युतांक के हो सकता है। क्या क्या होगा देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन फर्स्ट है 0.7 माइनस के 3.6। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो विद्युतरोधी होते हैं उनका हमेशा जो माध्यम का प्राविद्युतांक के होता है वो 1 से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, विद्युतरोधी माध्यम का प्राविद्युतांक हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, 4th सही है। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, जो आपको ये 10 क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन में बोला गया है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण अधिकतम होगा, यानी विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण बोले तो बल आघूर्ण अधिकतम होगा, कौन से केस में अधिकतम होगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास टो बराबर पीई साइन थीटा होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। विद्युत क्षेत्र में जब हम एक विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण जो लगता है वो अधिकतम कब होता है, तो आपको बहुत आसान तरीके से पता है कि साइन थीटा अधिकतम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो साइन क्या देगा, साइन 90 डिग्री 1 देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी और ई तो ये होगा हमारे पास, ई तो ये होगा और ई के परपेंडिकुलर, ई के लंबवत कौन होगा, ई के लंबवत होगा पी। ई के लंबवत क्या होगा भाई, ई के लंबवत होगा पी वेक्टर। जब ये दोनों आपस में परस्पर लंबवत होंगे तब आपको बल आघूर्ण का मान अधिकतम मिलेगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव व विद्युत क्षेत्र आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे, तभी आपका बल आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे 10। अब हम बात कर लेते हैं 11 क्वेश्चन पर। एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर, एल भुजा का कोई घन का केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा आपका सेकंड ऑप्शन क्यू अपॉन हो जाएगा 6 एप्सिलॉन 0, एक तल से गुजरने वाला एप्सिलॉन 0 क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0। यदि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल में जाइए और आराम से इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। इसमें बोला गया है कि एक बंद प्रष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक बंद प्रष्ठ है कोई भी, इस तरह से बंद प्रष्ठ है, इसमें n विद्युत द्विध्रुव है, माइनस q1 प्लस q1, इस तरह से n विद्युत द्विध्रुव है। बंद प्रष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो आप मुझे बताइए कि इस बंद प्रष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है जो कि प्लस में भी और माइनस में भी है, तो उनका कुल आवेश क्या होगा, माइनस क्यों भी है और प्लस क्यों भी है, तो सभी के सभी आपस में कैंसिल करके कुल आवेश कितना हो जाएगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय तो यही कहती है कि 1 बाई एप्सिलॉन 0 और क्यों कुल आवेश, तो क्यों कुल आवेश, तो विद्युत इस बंद प्रष्ठ के भीतर 0 हो गया, तो जब वो ऊपर वाला 0 हो गया तो अंश 0, तो पूरा टोटल क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका 4th हो जाएगा। तो 2013 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे लगे हों, क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और इस तरह से यदि आप और भी चाहते हो क्वेश्चन, मैं पर चैप्टर आप पर यूनिट आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन देने वाला हूं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। तो नए चैप्टर के साथ यूनिट सेकंड है जो हमारी, उसमें मिलेंगे हम, और न्यू एमसीक्यू सीरीज के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।